जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं वन लाइनर जीके के 10,000 प्रश्नों की अगली श्रृंखला के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल में कैसे मंत्री होते हैं? सिर्फ कैबिनेट मंत्री। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत। योजना आयोग कैसी संस्था है? परामर्शदात्री संस्था। राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। राज्य विधानसभा के न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? 60। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी वर्ष निर्धारित है? 30 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? क्रमशः 50 और 50, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 50 सदस्यों की। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? वीवी गिरी। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख, पहले 90,000 रुपये था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस माध्यम से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? अनुच्छेद 12 से 35। संविधान के किस अंग या अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? प्रस्तावना में। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित है? अनुच्छेद 170 में।
संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबद्ध थीं? कांग्रेस पार्टी से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? बी एन राव को। संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया? 24 अगस्त 1947 को। संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? राज्यसभा। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? समवर्ती सूची में। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 9 जून को। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कोर्सिका द्वीप किस महापुरुष से संबद्ध है? नेपोलियन बोनापार्ट से। कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? सर्बिया से। गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवाएं हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की। डंडा नाट किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ओडिशा का। द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? ब्रिटेन का। निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की? माखनलाल चतुर्वेदी ने। नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। बीजिंग किस शहर का नया नाम है? पेकिंग का। मानसरोवर किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? मुंशी प्रेमचंद का। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? बिहार की। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। राष्ट्रीय यूनानी संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलुरु में। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। विश्व काला मोतिया बिंद दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में। हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। हे राम फिल्म के निर्देशक कौन हैं? कमल हसन। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? बेबीलोन में। गोविंद अब देर क्या, प्रण का समय जाता टला, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस कृति में है? जयद्रथ वध में। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे,
यह कथन किस कवि का है? बाल मुकुंद गुप्त का। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? सलीम दुर्रानी। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उत्तराखंड में तपोवन कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? गणित के क्षेत्र में। एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना किस वर्ष हुई? 1966 ईस्वी में। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वीणा से। किस देश के डाक टिकट पर हेलेवेशिया लिखा होता है? स्विट्जरलैंड के। किस राज्य का विशिष्ट त्यौहार ओणम है? केरल का। किसने कहा आराम हराम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? शास्त्रीय नृत्य के लिए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। GB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? 1955 ईस्वी में। तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिमला में। थल सेना के ब्रिगेडियर के समतुल्य वायु सेना का कौन सा पद होता है? एयर कोमोडोर। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ था? 14 मार्च 1995 को। नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम अभिनेता कौन था? बलराज साहनी। पर्यटक स्थल सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। प्रथम श्रेणी के कौन क्रिकेट खिलाड़ी एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता खिलाड़ी बने? सैमुएल बेकेट। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। प्रायोगिक रूप से भारत में रंगीन टेलीविजन का प्रथम परीक्षण कब हुआ? 17 अक्टूबर 1981 को। फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1952 ईस्वी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैंप का नाम किस युद्ध से जुड़ा है? क्रीमियन युद्ध से। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था? सर्च लाइट। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। भानु भारती किस क्षेत्र से संबद्ध हैं? रंगशाला थिएटर निर्देशन से। भारत भवन के वास्तुकार कौन हैं? चार्ल्स कोरिया। भारत भारती सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2.5 लाख रुपए। भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।